से हैं आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर हम कुछ इस टाइप से HDR फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग भी कैसे इस टाइप से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साथ फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बी फ्रेंड आप में मेरा फोटो अभी देख सकते हैं कितना बेकार दिख रहा है, इसी फोटो को ले चलते हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ से करना क्या होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ टूल्स वाले आइकन दिखाई देगा नीचे की साइड में, एंड टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करना है, डिटेल्स पे क्लिक करके साइपनेस को बढ़ा लेना है, एंड साइपनेस को बढ़ाने के बाद फिर से यहाँ से डन वाले आइकन पर क्लिक करके कोने में क्लिक करके डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, यहाँ से टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा, एंड टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते ही आप लोग ऊपर की साइड में देख सकते हैं ट्यूनिंग इमेज का ऑप्शन, एंड ट्यूनिंग इमेज पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, क्लियरिटी को कम कर देंगे। क्लियरिटी कम कर लेने के बाद फिर से हमको करना क्या है, ऊपर करना है, एंड सैचुरेशन को बढ़ाना है, एंड सैचुरेशन को बढ़ाकर एमिनेंस को भी बढ़ा लेना है, एमिनेंस को बढ़ाकर इतना करना है कि हाइलाइट्स को थोड़ा कम करना है, एंड साइडों को भी कम कर लेना है। एंड देख सकते हैं हम लोग का फोटो अभी पहले ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है, तो यहाँ सब करना क्या होता है, डन करना होगा। डन कर लेने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ टूल्स वाला आइकन दिखा रहा है, टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ सेलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा देना है। एंड देख सकते हैं हम लोग का ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ शेयर वाला आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। तो एंड देख सकते हो चुका है हम लोग का फोटो शेयर, तो इस फोटो को ले चलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, यहाँ शेयर कर लेते हैं इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो गाइस एक लाइटरूम में और अभी अपडेट आया है, जो आप लोग का डाटा ऑन बिना डाटा ऑन किए हुए लाइटरूम एप्लीकेशन आप लोग का खुल नहीं सकता है, आप लोग भी इस मेरे जैसे डाटा ऑन करके लाइटरूम एप्लीकेशन यूज कीजिए। तब हमको करना क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हमको एक ये वाला फोटो ले लेना होगा, एंड सॉरी गाइस एंड ये वाला प्रीसेट रहेगा राव, जिस पर राव लिखा होगा समझे वो प्रीसेट है हम लोग का, एंड इस प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा, एंड अभी हम लोग का डाटा में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ तो अब करना क्या होगा, तो हमको यहाँ से कॉपी सेटिंग का आइकन दिखाई देगा उधर नीचे की साइड में, कॉपी सेटिंग इसका कर लेना होगा। नहीं तो कॉपी सेटिंग करने के लिए हमको एंड इसको यस, इसको यस करके दो को यस करना है, एंड यहाँ फिर से बैक आना है, बैक आने के बाद फिर से हमको अपने ओरिजिनल फोटो के ऊपर चलना है। तो देखते आ चुके ओरिजिनल फोटो के ऊपर, फिर से हमको करना का ठीक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, एंड यहाँ पेस्ट सेटिंग का आइकन दिखा है, पेस्ट सेटिंग कर देना होगा। हम लोग का फोटो एडिटिंग है, इस फोटो को एडिटिंग करने क्या है, तो हम लोग इस डायरेक्ट इस फोटो को शेयर वाला आइकन पे क्लिक कर ले रहा होगा ऊपर की साइड में, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप लोग का फोटो सही होगा, यहाँ शेयर वाला है, आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, यहाँ से शेयर क्लिक कर सकते हैं, या हमको शेयर करना है इस फोटो को शेयर कर लेते हैं। इनका ये देख सकते हो चुका है हम लोग का फोटो शेयर, तो फोटो शेयर करें हमारी फोटो ले चले डायरेक्ट फोटो टेक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो गाइस देख सकते हैं आ चुके अपने ऑटो टेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर, तो हमको करना क्या होगा, यहाँ से लाइब्रेरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लाइब्रेरी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, लाइब्रेरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा, एंड ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो अपने लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में जाना है, लाइब्रेरी पेंसिल की सेटिंग में जाना है, फॉलो को 4% स्ट्रेंज को 19% रखकर यहाँ से डन करना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना होगा। देख सकते हैं अभी कितना अच्छे तरीके से हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग इस टाइप से अप्लाई कर लीजिए, एंड यहाँ से वीडियो ढेर लंबा है इसलिए वीडियो कहीं से कर लेते हैं फास्ट। फेस रेस्मूंग आशा है कि आप लोग वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।